गुड इवनिंग फ्रेंड, ये मेरी इवनिंग वाली झलक है मेरे गार्डन की। बहुत अंधेरे में भी देखिए मेरे गार्डन की रंगत। ये फ्लावर शाम को ही देखने को मिलते हैं, देखिए कितने बिग साइज में खिले हैं। शाम के टाइम अभी थोड़ी बारिश का मौसम बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत काम कर ले रही हूँ मैं। कहने को थोड़ा बहुत, पर गार्डन में एक बार आपका आ जाना ही काफ़ी होता है हमारे प्लांट्स के लिए। आप आ गए समझिए कुछ ना कुछ हमारे प्लांट्स का भला हो गया, हमने कुछ ना कुछ भला कर ही दिया। आप आओगे, प्लांट्स को देखोगे, कुछ पत्तियां हटाओगे, कुछ सूखी टहनियां हटाओगे, थोड़ी सी गुड़ाई ही कर लोगे, और गुड़ाई बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, प्लांट्स की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो मैं हर प्लांट्स में छोटे छोटे चाकू पेंसिल हमेशा गड़ा के रखती हूँ, क्योंकि ऐन वक्त पे हमको टूल्स मिलते नहीं हैं। अब कहाँ उठें, कहाँ ढूंढें, कहाँ क्या करें, तो इसलिए मैं छोटे छोटे चाकू हर प्लांट्स, दो चार प्लांट्स के बीच में रखती ही हूँ। तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी नहीं मिलता, तो लेकिन अपनी तरफ से ट्राई करनी चाहिए कि गार्डन में हमारा काम आसान हो जाए और हमारे प्लांट्स का कुछ भला हो जाए। तो ये देखिए चंपा में इधर भी बर्ड्स बन रहे हैं, और चंपा का कटिंग इतना आसानी से लगता है फ्रेंड। ये देखिए ये भी लग गई है, इसमें पोस्ट लाकर चल रहा है, देखिए। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इधर ये इसमें मैरीगोल्ड लगा हुआ है, और ये इसमें लगा दी थी, ये भी चल गया है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, और इधर तो मैंने इसका कटिंग की रिपोर्टिंग आपको दिखाई ही थी, और इसमें बर्ड्स बन रहे हैं। तो हमको अपने बगिया में क्या चाहिए, ग्रीनरी चाहिए, हरे भरे हेल्दी से प्लांट चाहिए, कलरफुल फ्लावर चाहिए, चाहे वो फ्लावर सदाबहार के हों, हिबिस्कस के हों, या जिसके भी हों। फूल तो फूल होते हैं, वो हमेशा खूबसूरत लगते हैं। तो गार्डन में किए गए छोटे छोटे काम ही बहुत बड़ा वर्क करते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको बता रही हूँ। तो चलिए फिर, थोड़ी सी मैं काम की हूँ, अपनी छोटे छोटे कोलियस की रिपोर्टिंग की है। देखिए मैंने ऐसे कोलियस लगा रखे हैं जगह जगह डिस्पोजल में, तो मैं दो चार प्लांट्स की थोड़ी सी रिपोर्टिंग कर ली हूँ, और उनको मैं अब सही जगह दूंगी, क्योंकि बारिश के पानी से भी बचाना ज़रूरी है उनको, और धूप से भी बचाना ज़रूरी है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, और पसंद आए वीडियो तो ज़रूर आप लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये छोटे छोटे कंटेनर में मैं जो कटिंग लगा के रखी थी कोलियस के, थोड़े जितने हो पाएंगे ये देखिए मैं इनसे थोड़े से बड़े प्लांटर में रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये मिट्टी रखी हुई रेत वाली, और नीचे ये सूखे पत्ते, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कैसे रूट बन गए हैं। और पूरे गर्मी भर बचाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, इसमें करके मैं एकदम शेडी प्लेस में रखूँगी, जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिले लेकिन धूप ना मिले, और बारिश के पानी से भी बचे रहें। मैं ऐसा कोई जगह ढूँढूँगी। ये देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से इसमें रूट बन गए हैं, ये देखिए
इनमें भी बन गए होंगे वैसे। अब इनको निकाल के मैं लगा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने चार पॉट में इनको रिपॉटिंग कर दी और अब इनकी पिंचिंग करते रहना है, इनके मॉइस्चर का ध्यान देना है और इसमें तेज धूप या बारिश का पानी तो पड़े ही नहीं, लेकिन ब्राइट लाइट पड़ती रहे ऐसी जगह पे इसको रखना है, तो ही इनकी रंगत बनी रहेगी। और इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो थोड़े टाइम बाद हमको पता भी नहीं चलेगा कि कोलियस कहाँ हमारे गार्डन से गायब हो गए, तो ये बहुत ज़रूरी है।